नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजीज के इंपॉर्टेंट टर्म्स का पार्ट टू करेंगे। इस वीडियो में क्या है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर बायस। तो जेंडर बायस होता है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स और अगेंस्ट वन जेंडर। तो जब हम किसी एक जेंडर के टुवर्ड्स बायस्ड होते हैं तब हम उसको फेवर करते हैं, ठीक है। सिर्फ उसके जेंडर की वजह से उसको हम फेवर करते हैं किसी इंसान को, तो उसे जेंडर बायस बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, हायर पेचेक फॉर मेल एक्टर्स इन बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में क्या है, हम देखते हैं जो मेल एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा उनकी सैलरी होती है, ठीक है, उनको पेचेक ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये एक जेंडर बायस का यहाँ पर एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जनरलाइज्ड व्यू और प्री कंसेप्शन अबाउट एट्रीब्यूट्स दैट आर ऑट टू बी पोजेस्ड बाय और रोल्स दैट शुड बी परफॉर्म बाय मैन और वुमेन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्री कंसेप्शन अबाउट एट्रीब्यूट्स। तो ये मान लिया जाता है कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये किसी एक जेंडर की होंगी, या मेल की होंगी या फीमेल की होंगी, या फिर कई रोल्स होते हैं जो ये मान लिए जाते हैं ये जो रोल है वो मैन या वुमेन एक ही परफॉर्म करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स। तो ये मान लेना कि सभी की सभी वुमेन हैं वो गुड ड्राइवर नहीं होती हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। उसी तरह ये कहा जाता है मैन डोंट क्राई, तो आदमी रोते नहीं है, ये भी क्या है, एक स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है। तो जब हम पूरी एक जेंडर की कैटेगरी को मैन या वुमेन को एक पर्टिकुलर रोल में बांट देते हैं कि ये रोल तो सिर्फ मैन ही करेंगे या वुमेन करेंगे, तो ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इंटरनल या फिर इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो होता है वो, उसमें क्या है, मोटिवेशन नाम से पता चल रहा है अंदर से आता है, तो इसमें एक्शन ही आपका रिवॉर्ड होता है। जो आपका, जब आप कोई एक्शन ले लेते हैं तब आपको क्या रिवॉर्ड मिल जाता है। अब पुश क्या होता है, जब हम किसी को ऐसे इस तरह फोर्स लगाते हैं, अपने अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन है तो इसको पुश फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पुल होता है इसका अपोजिट, तो यहाँ ये दूसरे में आएगा। एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है उसके अंडर पुल फैक्टर आता है। इसमें क्या है, आपके लिए कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड होता है, आपको कोई प्राइज मनी मिल रही होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या है मोटिवेटेड होते हैं और किसी काम को करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आने वाली है किसी काम को लेकर, जैसे कि आप एक्सरसाइज हो सकती है उससे आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होगी, ठीक है, अंदर से आएगी। लेकिन किसी कॉम्पिटिशन में लड़ने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आता है मीजरमेंट। तो मीजरमेंट ये क्या है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है, इवेल्युएशन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में हम कलेक्टिंग रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम स्टूडेंट का पता लगाते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम है उसकी स्टडी में, ठीक है, उसके उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेमेडियल क्लासेस वगैरह लगाते हैं, तो ये सब क्या है असेसमेंट में आता है। इससे क्या है, उसकी लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होती है। इवेल्युएशन होता है, इसमें खाली हम क्या है जजमेंट कर देते हैं कि ये पास हुआ या फेल, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं सेट स्टैंडर्ड्स, जिसमें क्या होता है 33% पास नहीं तो फेल, ठीक है। तो जो पास फेल वाला सिस्टम है इसमें, इससे लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का इवेल्युएशन में कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसमें खाली हम क्या है जजमेंट पास करेंगे, ये बता देंगे पास हो गया बंदा या फिर फेल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। तो एक अच्छा टेस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले आती है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। तो कोई भी जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम स्टूडेंट का किसी ना किसी टेस्ट में ये मेजर करना चाहते हैं किसी क्वालिटी को, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम मैथ्स का टेस्ट लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसके मैथमेटिकल एबिलिटी हमको पता चले, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश के बहुत भारी भारी वोकैब डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, और उससे क्या है उसकी इंग्लिश का टेस्ट होगा ना कि मैथ्स का टेस्ट। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वैलिडिटी होता है, जो मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी, ये रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं, अगर आप किसी मशीन में गए जो वेट बताती है, ठीक है, तो एक बार उसने क्या है आपका वेट 50 kg बताया, उसके बाद दोबारा उसी को टेस्ट करते हैं तो 60 kg बता दिया,
तो अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कह देंगे ये मशीन भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कैश कंसिस्टेंट इन इट्स रिजल्ट, ट्रस्टवर्दी। तो अगर वो रिजल्ट में कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब उसी बंदे ने आज टेस्ट एक बार टेस्ट दिया फिर दोबारा से टेस्ट दिया तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो रिलायबल नहीं मानी जाएगी। इसलिए रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेस्ट के लिए। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी में आता है रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जामिनर। तो आपने देखा होगा किसी किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, तो सेम चीज़ अगर आपने लिखी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, सेम दूसरे ने लिखी उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो उससे क्या होता है उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं अच्छी हैंडराइटिंग वाले को। तो यहाँ पर क्या है, एग्जामिनर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है अच्छी हैंडराइटिंग से, जबकि टेस्ट तो इंग्लिश टेस्ट करने का है, हैंडराइटिंग से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो इसको ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, इन्फ्लुएंस को हमको क्या है कम करना है इसको, एग्जामिनर के वो बायस ना हो पाए। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं एमसीक्यू होते हैं उनमें क्या है, हमने चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है, एक दो तीन चार ऑप्शन दे दिए, तो इसमें क्या है हैंडराइटिंग का हमने ऑप्शन ही हटा दिया, तो वो टीचर इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा उसको। खाली हमने ऑप्शन दे दिया है कि ए ऑप्शन है तो करेक्ट है, बी ऑप्शन है तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है, तो जीरो या वन डायरेक्ट मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने ऑब्जेक्टिविटी बढ़ा दी इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है बायसनेस कम हो जाती है, इससे क्या है ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वैलिडिटी में क्या होता है, जो हम मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर पा रहे हैं या नहीं, ये वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी में आपको कंसिस्टेंट वर्ड जो है वो याद रखना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो एग्जामिनर है, ठीक है। तो ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इनमें, तो इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो पहला आता है नॉर्म रेफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग इट लुक्स एट हाउ अ पर्सन डज इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन कॉम्पिटिशन। तो इस वाले टेस्ट के टाइप में क्या किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस्ड में किसी पर्सन की परफॉर्मेंस अगर हमको देखनी है तो वो दूसरों के कंपैरिजन में कैसी है वो बताती है। जैसे कि अगर किसी की रैंक आ रही है फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अच्छा वो है। अगर बाकी लोग किसी के मार्क्स अगर 100 में से आ रहे हैं 90 और बाकी सभी लोगों के अगर 100 आ गए तो उसकी रैंक क्या है लास्ट आ जाएगी, और अगर बाकी सभी लोगों के 90 से कम है तो उसकी क्या फर्स्ट आ जाएगी। तो उसके मार्क्स तो सेम रहे लेकिन उसकी रैंक चेंज हो जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है बाकी लोगों से कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस, इसमें क्या है बाकी लोगों से कंपैरिजन होता है। तो जैसे एग्जांपल यहां पे दे रखा है, रैंक अगर किसी की 1456 आ रही है तो ये पूरा डिपेंड करती है बाकी लोगों पर। अगर बाकी लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा या उनके मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाए तो यही रैंक सेम मार्क्स के लिए क्या है चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इसमें दूसरे के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें पास या फेल वाला सिस्टम चलता है। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, जैसे कि यूपी टेट होता है उसका क्राइटेरिया होता है कि अगर 60% मार्क्स आएंगे, अगर आपके 150 में से 90 मार्क्स आ जाएंगे तो आपका टेट क्या है पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके परफॉर्मेंस से पूरा मतलब है, दूसरे स्टूडेंट कैसे भी परफॉर्म करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका सुपर टेट होता है या मेन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपके बाकी लोगों से परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसमें रैंक देखी जाएगी आपकी, उसमें बाकी लोगों के परफॉर्मेंस का असर पड़ेगा आपके रैंक पे, ठीक है। तो अगर बाकी लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, और अगर बाकी लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया आपसे तो आपकी रैंक क्या है खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नॉर्म रेफरेंस में क्या है, जो बाकी लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस का असर आपके स्कोर पर पड़ता है, और जो क्राइटेरियन रेफरेंस है इसमें बाकी लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है उसका कोई असर नहीं पड़ता है आपके रिजल्ट पे, ठीक है। यहां पर क्या है, पास और फेल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है रेटिंग स्केल। तो जैसे कि प्ले स्टोर पर हम रेटिंग देते हैं अलग अलग एप्लीकेशन को 5 स्टार में से, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो हम इसी तरीके स्टूडेंट्स को भी 10 में से रेटिंग दे सकते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, हेल्थ के लिए हो सकता है या फिर किसी अटेंडेंस के लिए हो सकता है, डिसिप्लिन के लिए हो सकता है, ठीक है। आगे आता है सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री वर्ड सोशल से बना है, सोसाइटी से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीयर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, कनेक्शन विद पीयर्स देखा जाता है, आसपास के लोगों के साथ उसकी सोशल रिलेशनशिप कैसी है ये इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें किसी स्टूडेंट का, और उसको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अंदर उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अटेंडेंस हो गया या हेल्थ हो गया, टेस्ट स्कोर्स हो गए, ये सब क्या है उसके रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। आगे आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो एनेक्डोट्स का मतलब होता है स्टोरीज। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में टीचर क्या करता है, अलग अलग स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखता है लेकिन स्टोरीज के फॉर्म में, अलग अलग इवेंट्स में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, उसका बिहेवियर कैसा रहा, ये सब क्या है वो स्टोरीज के फॉर्म में लिख लेता है,
ठीक है। आगे देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो डिसलेक्सिया में क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसग्राफिया में लिखने में दिक्कत होती है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है। डिसकैलकुलिया तो ये सिंपल है, कैलकुलस यानी कि मैथ्स से रिलेटेड है, तो ये मैथ्स की दिक्कत होती है, मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथ्स समझने में दिक्कत होती है। डिस्टोपिया, यूटोपिया ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें क्या है सब कुछ आपको मिजरेबल लगता है डिस्टोपिया में, और यूटोपिया में क्या है सब कुछ परफेक्ट लगता है। डिस्थीमिया होता है परसिस्टेंट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन जब आपको लॉन्ग टाइम तक रहता है, माइल्ड डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होगा बंदा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन लगा ही रहता है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो इसको हम डिस्थीमिया बोलते हैं। ये ज्यादातर आपकी कोई सर्जरी होती है उसके बाद ये देखा जाता है, ठीक है, डिस्थीमिया। अफेजिया होता है कंप्लीट प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, यूजुअली आफ्टर स्ट्रोक, हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर। तो कोई हेड इंजरी होने के बाद आपको बोलने में दिक्कत होती है तो उसको अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, पार्शियल प्रॉब्लम है, तो डिस्फेजिया कहते हैं, या अफेजिया कहते हैं जब आपको बिल्कुल ही बोलने में दिक्कत है, कंप्लीट प्रॉब्लम है जब तो अफेजिया कहेंगे, पार्शियल प्रॉब्लम है तो उसको डिस्फेजिया कहेंगे। अगर क्वेश्चन में कंप्लीट प्रॉब्लम भी पूछ रखा है और डिस्फेजिया दे रखा है तो दोनों में से जो ऑप्शन दिखेगा आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है डिसमॉर्फिया। तो आप अगर इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, उनके क्या सिक्स पैक एब्स हैं, परफेक्ट बॉडी है, ठीक है, तो उनको देखकर क्या इनसिक्योर हो जाता है इंसान अपनी बॉडी के लिए, उसको लगता है उसकी बॉडी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस इनसिक्योरिटी को हम डिसमॉर्फिया कहते हैं, ठीक है, जब हम अपनी ही बॉडी के लिए क्या इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। अपेक्सिया या डिसप्रेक्सिया हम कहते हैं, डिसऑर्डर इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। तो ऐसे काम जिनमें कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स का यूज होता है वो काम करने में हमें दिक्कत होती है, जैसे कि नॉट एबल टू टाई शू लेसेस, तो शू लेसेस हम नहीं बांध पा रहे हैं, ठीक है, या फिर शर्ट के बटन लगाने हैं तो ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ADHD। तो ADHD का फुल फॉर्म अगर पता होगा तो आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहां पर क्या है, अटेंशन डेफिसिट है यानी अटेंशन क्या है आपकी कम है, और एक्टिविटी क्या है हाइपर है यानी कि बहुत ज्यादा है। तो जब आपकी अटेंशन कम हो और एक्टिविटी ज्यादा हो तो उसे ADHD बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आप एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते हैं, कभी आपको एक काम करने का मन करेगा, कभी दूसरा, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्सेसिव टॉकिंग, आपको बहुत ज्यादा बात करने का मन करेगा। बीइंग अनेबल टू वेट फॉर देयर टर्न, तो अगर आपका किसी में नंबर आने वाला है, ठीक है, आपकी टर्न आने वाली है तो आप एकदम वेट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आगे देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है। तो अम्ब्रेला में जैसे कि एक से ज्यादा लोग अंदर आ सकते हैं, उसी तरह इसमें क्या है, एक से ज्यादा डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आपको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है, ठीक है, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी आपके अंदर, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इसी तरह से मोटर स्किल्स में भी आपकी दिक्कत है। तो मोटर स्किल्स यानी कि आपके हैंड मूवमेंट्स या लेग्स मूवमेंट्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ऑटिज्म के अंदर आते हैं। आपने मूवी देखी होगी बर्फी नाम की, ठीक है, इसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर था उसको ऑटिज्म था, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसे बोलने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी, कोई चीज इजिली समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटिज्म होता है। एक और मूवी आई थी उसका नाम था जीरो, उसके अंदर अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर था उसको था सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर आता है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं। इसमें आपने देखा होगा जो अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर था वो व्हील चेयर पर बैठा रहता था, इसमें मोटर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं आपके हो जाते हैं, मतलब क्या है, आपका अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, अनस्टेडी वॉकिंग, चल नहीं पाते हैं आप, ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं होता है आपके अंदर, और फाइन मोटर स्किल्स, लिखना वगैरह ये सब करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, आपका मूवमेंट और पोस्चर जो है बिल्कुल खराब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप मूवीज के करेक्टर के नाम से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ये किसी तरह का पागलपन नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप सर्च कर सकते हैं, उनको बचपन में क्या थी, लर्निंग डिसेबिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को एज ए नीचा नहीं समझना है, ठीक है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ये नहीं समझना है कि वो आपसे किसी तरीके से कम है, ठीक है। ये एन्यूरेसिस लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग होता है, जब आप अपने क्या बिस्तर गीला कर देते हैं, ठीक है, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोनों ही केस में क्या होता है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, जिनको डिसेबिलिटी होती है किसी तरीके की, उनको क्या स्कूल में रखा जाता है,
लेकिन इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन होती है उसमें उनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के रखा जाता है, यानी उनके लिए कोई सुविधा नहीं बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, उनके लिए नेसेसरी जो भी प्रोविजंस हैं वो रखे जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किसी स्टूडेंट को चलने में दिक्कत है, वो व्हीलचेयर से स्कूल आ सकता है, तो उसके लिए स्टेयरकेस की जगह क्या है, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे कि उसकी व्हीलचेयर जो है आराम से ऊपर जा सकती है। अगर उसकी क्लास जो है अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे होगी तो उसको जाने में दिक्कत होगी, अगर वहां पर खाली स्टेयरकेस होंगी, खाली सीढ़ियां होंगी, ठीक है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, उससे क्या है वो आसानी से जा सकते हैं, और ये सुविधा क्या है हमने सिर्फ उनके लिए बनाई है। तो ये इसके अंदर आएगा, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल। तो रेगुलर स्कूल में एडमिशन तो होगा ही विद नेसेसरी प्रोविजन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, नेसेसरी प्रोविजन के साथ एडमिशन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सूट द सिस्टम। यहां पर क्या है, सिस्टम चेंज नहीं होता है, स्टूडेंट को ही क्या है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिस्टम पे सूट करे, ठीक है। स्टूडेंट को अपने आप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर क्या है सिस्टम मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट के हिसाब से मॉडिफाई हो और स्टूडेंट को सूट करे, ठीक है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अगर है तो उसको क्या है यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाले सिस्टम में अलग रिसोर्स रूम में भेज दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए रूम अलग कर दिया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये होता है, सब कुछ चीज जो है वो रेगुलर क्लासरूम में अवेलेबल होती है, ठीक है, सारा सपोर्ट जो है वो रेगुलर क्लासरूम में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEES PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।